मैंने जो हीना पाउडर लगाया था निकाल दिया है, थोड़ा सा उसको पहले सूखने दूंगी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ मचका था दिखाओ, इनको देखो मचका। बात करो बेटे। नहीं नहीं, विंडो, विंडो लाइट, विंडो, विंडो लाइट, sky blue, sky is blue, sky white, white, अच्छा भी sky white है। मॉर्निंग लाइट ऑन करते हैं ना, अंधेरा रहता है ना, धूप आती ही नहीं है। इधर रखा है शूज, उसको पर सेट कर देते हैं। ये लगा अपना, ये सूप शॉप हमने मनाया था इसलिए अमेजोन से, ये ज़्यादा बेटर है। चलो इधर फेंक के रखा था, अच्छा चलो स्कूटर चलाओ, स्कूटर चला गया, स्कूटर चलाओ, स्कूटर चलाओ, चलो चलो सही से चलाओ। चलो यस, डोसा करना है, कैसे क्या चाहिए मम्मा? डोसा खाना, डोसा खाना है, कोको को डोसा खाना है, इनको पता है ना मैंने डोसा बनाया रही हूँ तो इसलिए। हमारा बैटर रेडी है और ये है कोकोनट की चटनी, उधर दूध चढ़ा दिया चाय के लिए, और हमारे पास अभी सब्जी नहीं है, दुकान अभी ओपन नहीं हुआ है, इसलिए मैं उत्तपम प्लस डोसा दोनों ही बनाऊंगी, प्लेन डोसा प्लस उत्तपम, तो उस पर स्प्रेड यह करेंगे उत्तपम प्लेन सा बनेगा ताकि दोनों का स्वाद मिले। कोको बेबी के लिए प्लेन डोसा साथ में नारियल की चटनी, एंड ही विल बी हैप्पी। कोको यम्मी यम्मी डोसा ले लो, डोसा यम्मी यम्मी डोसा, यस लेट्स गो। मसाला डोसा नहीं है, प्लेन डोसा है, दिस इज प्लेन डोसा। मसाला डोसा नहीं है, प्लेन डोसा है, यस। नए आयरन करते हुए, यस वाओ, इधर रखो बेटे। यम्मी डोसा, दैट इज चटनी, क्रिस्पी क्रिस्पी, ईट। ये हमारा सिजवान प्लेन डोसा रेडी हो रहा है, ना क्रिस्पी क्रिस्पी प्लेन डोसा। पति देव के लिए निकाल दिया है, अब दे देते हैं उनको। So yummy. Guys, welcome or welcome back to my channel, Bob and Mom. I hope everybody is doing great and fantastic. और ये लड़का तो कहाँ बैठ के डोसा खा रहा है, हाथ में तो अपना प्लेन डोसा ले लिया और खा रहा है। अभी बज रहा है 8:30, वापस से पति देव गए हैं चेक करने के लिए कि सब्जी वाले का दुकान खुल गया है तो सब्जी ले आते, और बाकी मेरा ब्रेकफास्ट तो रेडी है तो अब बुझा दिया, कोई फायदा नहीं है। बट एनी वेज, जब बाकी का खाना बनाना होगा तो उसमें तो काम आएगा ना, लेने तो मुझे जाना पड़ता ही। हम कल ही लाते हैं, लेकिन देन हुआ कि ताजा ताजा सुबह लाएंगे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इस वजह से नहीं लाए। बट देन प्लेन डोसा ऑल्सो इज गुड, और उत्तपम मैं सोची थी बनाऊंगी बट देन मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि डोसा से ही उत्तपम बिना ऑनियन टमाटो और कैरेट के नहीं अच्छा लगता, बट ये सूखा तो चाहिए। सो एनीवेज, हमारा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है, पति देव आ जाए तो फिर उनको भी दे दूंगी, क्योंकि आज वो ब्रेकफास्ट खा के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, खा के जाएंगे, विच इज गुड। एंड मैंने उनका ड्राई फ्रूट भी निकाल दिया है जैसे मैं कोको को देती हूँ, तो फिर उनको भी देना स्टार्ट किया है मैंने। सो ये है, तो आएंगे तो उनको पहले सबसे पहले आएंगे तो सबसे पहले उनको वही खिलाना है, एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट। आप लोगों ने वाई देवे, आज आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया जरूर कमेंट करके बताना, ओके। खिलाना पड़ता है, उठ जा, उठो, गिर गया कोकू,
चोट लगा कहाँ लगा? सिला दो, अब पैक कर दो, खाओ शांति से बैठ के। चाय चाय ये कैसा है? चाहिए तो इसलिए थोड़ा दिया। आज सब कोई बिल क्या खाएगा ब्रेकफास्ट करके? ब्रेकफास्ट इधर है। यम्मी यम्मी बेबी कप चाय, इट इज चाय। क्या है? चाय चाय। एंड दिस इज चाय चाय। एंड व्हाट इज दिस? डोसा। वेरी गुड। व्हाट इज प्लेन? प्लेन डोसा। पिज़्ज़ा? चटनी। चटनी यस। ये देखो वॉकर लेके कहाँ बैठे हो तुम बेटे? कहाँ बैठे हो? किस जाओगे तब? ना सिट डाउन। बाय डैडा। चले भी गए। बाय डैडा। डैडा ऑफिस गए। एल ओ ओ ई वी ई ई लव ई ई कोको किचन ई ई छोटा बच्चा बने हुए। छोटे बच्चे हो क्या? छोटा छोटे बच्चे हो क्या? पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं और कोको पॉटी कर रहा है। तो वो पॉटी कर लेगा तो मैं और कोको साथ में नहाएंगे। रात मुझे हेड वॉश करना है इसलिए मैंने थोड़ी चंपी की थी ना, तो हेड वॉश करना है और उसके बाद अभी 9:30 बज रहा है तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, मतलब नहाएंगे, अच्छे से नहाएंगे। आज गर्म करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आज भी कुछ दिन बाद नहा ला रही हूँ तो इसलिए उसको रगड़ रगड़ के नहलाएंगे और मैं भी नहाऊंगी। थोड़ा सा मी टाइम हम साथ में स्पेंड करेंगे, लाइक मॉम एंड बॉब टाइम रहेगा। एंड देन उसके बाद पतिदेव ने सब्जियाँ ला दिया है, मतलब सब्जी में थोड़ा बहुत अभी हमने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा करके ही लाएंगे क्योंकि एक तो हमारी जल्दी सब्जी खत्म होती नहीं है एंड देन उसको ज़्यादा ला के क्या ही फायदा, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। इधर उधर जाता है ना थोड़ा, तो उसको सेट करने लग रही थी। और रुको ये देखो, ये सारा फैला के रख दिया इस लड़के ने। मैं अपने रूम का तो दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ क्योंकि अब वो ना डेली का उसका नाटक हो गया, तो मैं अभी तो नहलाने जाएंगे तो इसलिए बंद ओपन करके रख सकते हैं, बट देन जब रेडी कर देंगे तो फिर बंद कर देंगे। चलो फिर आप लोगों से मिलते हैं नाई नाई करने के बाद एंड देन उसके बाद आगे का बात बताएंगे, ठीक है? हो गया नाई नाई कराना है? मामा वो बोलो बताओ नाई नाई करना है कि नहीं? वो लेट्स गो नाई नाई, चलो आ जा नाई नाई नंगू। मामा नाई नाई करा दो, पता है नाई नाई का करना। चप्पल निकालो, कपड़ा निकालो, स्वेटर निकालो, आ जा निकाल दो। यस निकाल दो। माँ बेटे नहा के आ गए, अब पता पर आगे कर देंगे नहीं तो ये मस्ती चालू कर देगा। ये देखो मस्ती खोर स्विमिंग पूल में नहा के नमकीन हो गई हो। ये देखो कोको में भी रेडी और नहीं, अभी कोई उड़ने का समय नहीं है, चलो थोड़ा धूप में बैठेंगे। मामा भी रेडी हो जाओ फिर, अभी थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, पूरा नहीं रेडी होंगी क्यों वो भी बताऊंगी जल्दी। राधवे को भी शूज जो है ना उसका वो पहना दूंगी और गर्म गर्म हल्दी वाला दूध पिला दूंगी क्योंकि ठंड है ना इसलिए, और मैंने इसके अंदर इनर भी पहनाया है उसको। सो गाइस मैं भी रेडी हो गई हूँ, मतलब मैंने चेंज ही नहीं किया है। व्हाई? बिकॉज ये ब्रश देख रहे हो इसे क्या करते हैं आप लोग गेस करो, बट बता तो मैं दूंगी क्या, मतलब दूंगी ही। एक मिनट को दिखाते चीज। रेडी हो गए भाई साहब, रेडी होके इनको पड़वास आया है, मतलब इतना तेज से पड़वास आता है ना, पड़वास मतलब पढ़ाकू बच्चा नजर लग जाएगी। तो उसने ये फिनिश कर लिया मेरे रेडी भर होने में। नो तुम ब्रश, तुम पढ़ाई करो, दिस इज अ ब्रश। चलो ठीक है, व्हाट इज दिस? इट्स अ तो ये अपने से पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सावची हैश कोशु एच फ्लावर 18 फ्लावर 20 तक है, इसका 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे है। वेरी गुड। ये मैं हाथ में इसलिए लिए हूँ और मैंने चेंज इसलिए नहीं किया है, कोई चीज दिखाते हूँ। ये मैंने शोर मत कर भाई। तो ये है हीना,
हीना खान नहीं भाई, हीना पाउडर आता है ना वो, तो मुझे पीआर में हीना पाउडर एंड इंडिगो आया था, सो मैं आज उसको ही लगाने वाली हूँ अपने बालों में। आउच लगी है, बालों में लगाने वाली हूँ और उसके बाद देखती हूँ कैसे करता है। यूजली मैं हीना कभी लगाई नहीं हूँ, यूजली क्या होता है मतलब मैंने कभी हीना लगाया नहीं है पाउडर, सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। सो मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। और बालों का कलर देख लो, मैंने कलर कराया था वो फेड हो गया है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और साथ में मुझे इसके साथ इंडिगो पाउडर भी आया था, सो पहले हीना लगाना है फिर उसके बाद इंडिगो। और ये पाउडर मैंने कल ही भिंगो के रख दिया था, तो उसको करूंगी लगाऊंगी आज, एक दो घंटे छोड़ेंगे फिर उसके बाद उसको वाटर से वॉश कर लेंगे। बालों का हालत एकदम खराब होते जा रहा है मेरी जैसे ही है। एनीवेज, और आधे का दूध मैंने निकाल दिया है हल्दी वाला, थोड़ा सा मैंने वार्म होने के लिए रख दिए थे, उसको पिला दूंगी है ना। सो ये पहले पिलाने के बाद उसको तब मैं अपना वो हीना लगाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे। 100 pencil एंड व्हाट इज दिस, इट्स अ मिल्क। यस, चलो मिल्क पी लो। यस, क्लैपिंग। ओके नेक्स्ट, चलो इसमें ये आदमी का एक्टिविटी बुक है जो मैंने खरीदा था, 200+ एक्टिविटी इज फॉर किड्स, हाँ फॉर 3+ मैंने खरीदा था। आदमी के कुछ एक्टिविटी मैंने कराए थे जैसे ये सारे हैं, ज़्यादा नहीं कराया था बट देन आई थॉट किया आज ये भी शुरू कराएंगे। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ए देन यहाँ क्या आएगा, सी, ये सी है ना, इधर बी ना, बी राइट, बी तो बी बना दो, सही से पकड़ो, बना दो बी बना दो। चलो इसको अभी से ये कंप्लीट करवाते हैं, ये करवा के फिर मैं दूध पिलाऊंगी इसको। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सी। यस, क्लैपिंग। चलो अभी वील राइट आल्सो, कम ये देखो, सी ई एफ टी एच आई जे के थ्री बनाएंगे ना। चलो बना दो, थ्री बना दो, थ्री बनाओ, इसमें बनाओ, थ्री बनाओ, हाँ सही से पकड़ो पेंसिल, सही से पकड़ो ऐसे, हाँ चलो थ्री बनाओ, इसमें ऐसे बनता है इनका, तो पहले बनाते कम इनको पहले मिटाना चाहता होता है। चलो बनाओ, ले लो, तो यहाँ पर 1 to 10 तक लिखवाना है, ये करवा के फिर दूध पिलाऊंगे पक्का। देखो इनको लिखना कम होता है मिटाना ज्यादा होता है, सही है, मिटाओ, चलो लिखो। So smart. How many butterfly count butterflies? 1, 2, 3, 4 butterfly, right here 4 लिख दो, इधर 4 लिख दो, सही से बनो, लो पकड़ो, लिखो 4 लिखो यहाँ पे, सही से पकड़ो पेंसिल, चलो 4 बनाओ, सही से बनाओ भाई, इनको पकड़वा के, इनको पकड़ो भाई, दूध पिला दिया, देखो ये पढ़ रहा है, सी क्यू आर, बेबी व्हाट इज दिस, बेबी पढ़ो, ये पढ़ो पढ़ो, फोर, ये 5 से पढ़ो, 5, 3, 9, 3, 1, 8, 1, 6, 7, 5, 5, 3, 7, 2, 2, 9 Very good. चलो read. So इससे क्या पता चला, मैंने इसलिए इसको ये चीज आप लोगों के साथ शेयर किया, मतलब ये जो आदमी कहीं से भी रैंडम पढ़ रहा था ना, मतलब रैंडम दिया हुआ था इसलिए वो पढ़ रहा था। सो इससे पता चलता है बच्चे में रटा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड उसको चीजें समझ में आती हैं एक्चुअली, ऐसा लाइक जैसे 1, 2, 3, 4 बच्चे पढ़ लेते हैं एंड देन उनको सिर्फ वो रट लेते हैं राइट, मतलब ऐसा मैं सभी के केस में नहीं बोलती हूँ बट ऐसा होता है यूजुअली, बट देन टू अंडरस्टैंड कि बच्चा एक्चुअली समझ रहा है कि नहीं, उसे पहचान रहा है कि नहीं, आप ऐसे रैंडम उसको कहीं से भी पूछ दो, मतलब मैं आपके केस में ऐसे बहुत करती हूँ, बट कुछ लोगों को हमेशा लगता है कि मेरा बेटा रट रहा है चीजें, इज नॉट शार्प, बट देन मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट ये टिप उन लोगों के लिए है जो न्यू मॉम्स हैं या जिनके टॉडलर्स हैं या अपने बच्चों को
फन एक्टिविटी कराना चाहते हैं एट द सेम टाइम लर्निंग, तो ऐसे ही करो. मतलब जो सीख लेते हैं ना, तो कहीं से भी पूछो. जैसे मैं इसका इंट्रो भी कहीं से भी पूछती हूँ. मतलब ऐसा नहीं कि पहले अपना नाम बताओ, फादर नेम से कुछ भी है, कलर्स का भी, शेप्स का भी. मतलब मैं जो भी सिखाती हूँ आदमी को, कहीं से भी उसका मैं पूछती हूँ, ताकि उसे मुझे पता चले कि वो उसने रटा नहीं है और उसको समझ में आ रहा है. सो आप भी अपने बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. और बाकी दुनिया को क्या लगता है, लेट देम गो टू हेवन. इग्नोर करो ऐसे नेगेटिविटी को, दूर रहो ऐसे नेगेटिविटी से आप लोग, और अपने बच्चे पे फोकस करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो आपका बच्चा है और आपने ध्यान देना है. दुनिया लोग कुछ तो नहीं कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ऐसे लोगों को कहने दो. आप लोग अपना करते रहो काम. एंड जिन लोगों को लगता है, मतलब स्पेशली ऐसे मॉम्स पे ही आता है ना, मैं इसलिए ये चीज टॉपिक उठाया वहां पे, क्योंकि ऐसे हमेशा बोलते हैं ना, मॉम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है. एंड देन उसके बाद हम जो सिखा रहे हैं बेस्ट सिखाएंगे ना बच्चों के लिए. विल डू बेस्ट, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, हम अपने तरफ से तो बेस्ट करते हैं. सो इसलिए पीस एंड इग्नोर नेगेटिविटी एंड ऐसे ही ध्यान दो. और आदविक का आप लोगों को पढ़ाई एक्टिविटी कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताना. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड टच वुड चीजें ही ग्राफ्स वेरी फास्ट, एंड देन मुझे थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती है. एंड सी कैसे बैठ के पढ़ रहा है ना, तो दैट दी प्लस पॉइंट विथ हिम. एंड शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने भी थोड़ा अच्छा इन्वॉल्व रखा है. सो जस्ट बी इन्वॉल्व विथ योर किड्स एंड देन मस्त रहो या स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जो भी रहो, बट नेगेटिविटी से दूर रहो. दैट इज व्हाट आई विल डू. अन प्रेशराइज मत करो यार बच्चे को. जरूरी नहीं है कि आप भी को 50-70 फ्लैग्स के नाम आते हैं तो आपके बच्चे को भी आना चाहिए. ऐसी बहुत सारी चीज होगी जो आपके बच्चे को आता होगा और दूसरे बच्चे को नहीं आता होगा, राइट. तो सेम विद, डू नॉट कंपेयर एंड डू नॉट फोर्स योर केयर नाम. मैं बता रही हूँ, मैं आदमी को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करती हूँ. वो खुद ही इनिशिएट लेता है जिस चीज में, और या मैं उसे इंट्रोड्यूस भी करती हूँ, सो स्लोली स्लोली. सो आप भी ऐसे करो. और लंबा हो गया वीडियो, इसलिए यहीं पे कट ऑफ करेंगे. अब चलती मैं हीना लगा लेती हूँ, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है ना. मैंने लगा लिया और आई एंड अप में हाथ से ही लगाना आखिर मैंने किया, और हाथ के तो गंदा हो गया है, बाकी ये 2-3 वॉश में निकल जाएगा. इनकी सेल्फ स्टडीज अभी भी चल रही है. मेरे हाथ गंदा हो गया, बट मैं ब्रश लगा रही थी, बट टाइम लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी 12 बज गया है, तो मुझे बहुत टाइम हो रहा था. कल का वीडियो एडिट करूंगी, वो एडिट करके फिर अपलोड करके फिर जाऊंगी खाना बनाने के लिए. मिलते हैं आप लोगों से. आज लंच में बना रही हूँ मैं वापस से पालक पनीर, क्योंकि मेरे पास पालक पड़ा हुआ था और पनीर कल मैं ले आई थी, तो मैंने सोचा चलो पहले पालक फिनिश कर देते हैं, क्योंकि पालक जल्दी खराब भी हो जाता है ना. फ्रेश रहता है तो बना लेना तो अच्छा रहता है. और आदमी क्या करा है दिखाती हूँ. 1:30 बज रहा है और ये थोड़ा सा बैटर बचा था ना, तो मैंने इसको डोसा तब तक बना के दे दिया, एक पेपर डोसा वापस से, कि मैं तक खाते रहे. तो ये पेपर डोसा लेके खा रहा है. व्हाट आर यू ईटिंग बेबी, व्हाट इज दिस, इट्स अ हाय, इट्स अ व्हाट इज दिस, इट्स अ डोसा. इतना देर में बताओगे तुम, बच्चा. तो जब तक ये पक रहा है मैं ना आटा लगा देती हूँ. गूंद गया और ये मेरा पालक पनीर इज रेडी है ना, मस्त दिख रहा. धनिया तो वैसे डालते हैं कि नहीं आप लोग मुझे नहीं पता, बट मैं डालती हूँ. धनिया से अलग ही फ्लेवर आ जाता है. अब थोड़ा सा धनिया मैंने पहले ही डाल दिया था, जो से जैसे गार्निशिंग के लिए. मैंने जो हीना पाउडर लगाया था निकाल दिया है, थोड़ा सा उसको पहले सूखने दूंगी फिर दिखाती हूँ क्या है रिजल्ट. कौन है, कौन है, पापा कौन है? डैडा. 2 बज रहा है कोको, अंदर जा. अभी नहीं, 2:30 बज रहा है, गलती से मैंने 2 बजे, 2:30 बज रहा है. इस पति देव तो खा के चले गए, और 3:30 बजे चले गए, 3 बजे आए थे, 2:30 बजे आए थे, लाइट अभी ऑफ किया, और 3:30 बजे चले गए. अभी बज रहा है 4, लाइट ऑफ कर दिया है. और ये देखो मैंने जो हेड वॉश किया था ना, मतलब हीना लगा के,
तो मेरे पे बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं, मैं लाइट ऑफ इसलिए ताकि आपको नेचुरल लाइट में भी पता चले कि कितना है। सो ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ नीचे जो मेरे फेड हो गए थे ना कलर्स, उसमें थोड़ा कलर आ गया है ऑरेंजी ऑरेंजी सा, बट देन यहाँ पे तो सारा ब्लैक है ना, तो उस पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ। बट देन माई हेयर इज फीलिंग सॉफ्टर थोड़ा सा, एंड जब मैं कल, आई थिंक कल ही कल लगाऊंगी मैं इंडिगो पाउडर, एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या इफेक्ट आता है, बट अभी के लिए तो इट्स गुड। आई थिंक वापस से मुझे ब्लैक रखना चाहिए या फिर कोई अदर कलर ट्राई करूं इस बारी। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि अगर आप मुझे चाहते हो कोई कलर एक्सप्लोर करूं मेरे बालों पे। तो एक बार मैं ब्लू करना चाह रही थी, बट मैं प्रॉपर ब्लू नहीं कर पाई थी, बट देन आई हैव डन गोल्डन, आई हैव डन, एक बार तो मेरा ना तीन कलर एक साथ करी थी जब मैं बैंगलोर में थी। तो उसके बाद अभी हमने रिसेंटली रेड भी किया था ना, एंड देन ऐसे ही मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ बालों के साथ, क्योंकि घर की खेती है, कटो पड़ेगा एंड देन उसके बाद कलर करो फेड हो जाएगा लाइक दैट। बट देन यस, चार बज रहा है, 5 बजे करीब, 5 बजे करीबन चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना गाइस, बाय द वे। एंड अभी आदविक सो रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे वीडियोस देख रही थी, सोच रही थी अभी क्या करूं क्योंकि मैं सो नहीं सकती, बर्तन धुलना है, दिल गया, बट नींद नहीं आ रही है, बट देन आई एम फीलिंग टायर्ड। एनीवेज मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। ये देखो इवनिंग हो गई है, घर सब उठ गए, उठ के सबसे पहले मैंने अपना बुक ही पकड़ा है। हां व्हाट इज दिस? इट्स अ रेनबो। वेरी गुड। ओके एंड व्हाट इज दिस? फिश। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? फिश। व्हाट इज दिस? दिस सॉक्स। वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस? काय। वेरी गुड। काय। व्हाट इज दिस? काय। व्हाट इज दिस? Kai, Kai. Ah, fine, that is car. Now, what is this? 8, 9, 2, 4, 3, 6, 5, 4. Copy! So smart, baby. Fish. Yes. Chalo, enjoy. ये देखो मेरा, इसमें मैंने काजल का लगाया था ना इसलिए सब। So, ये भाई सब उठ गए हैं और मैंने चाय एडजस्ट फिनिश किया है और 6 बज गया है, उठे थे मतलब उठे हुए इसको 15-20 मिनट हो गया, और जैसे ही उठा है मैंने इसको लावा दिया जो उसने खाया नहीं है, सिर्फ खेल दिया है, उसके बाद बुक। हाँ जी बेटे जी, इतना पड़कू बच्चा पैदा किया ना मैंने, क्या ही बताऊं। चलो फिर मिलते हैं, खाना भी बनाना, बर्तन धुल के उठी थी, फिर चाय का भी बर्तन फिर से निकल गया, मतलब मेरी तो जिंदगी क्या ही बताऊं मैं कैसी होगी, ये है ना कुछ भी। चलो मिलते हैं।